नमस्कार। इस वक्त मुंबई में आया है हाई टाइड और तूफान और जबरदस्त बरसात। जी हाँ, जब भी मुंबई में हाई टाइड आता है तो सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि मुंबई में बरसात के समय पानी सड़कों पर पूरी तरह से लबालब डूब जाता है। आइए बताते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई में आज सुबह से हो रही मूसलाधार बरसात से कई जगहों पर हाई टाइड तो समुद्री किनारों को बैन लगा दिया, यानी कि पूरी तरह से रोक। ये है तस्वीरें अक्सा बीच की, आप देख सकते हैं ये अक्सा बीच का रास्ता है। और देखिए यहाँ पे जो दुकानें थी और कितना लंबा यहाँ पर समुद्री बीच हुआ करता है, लेकिन देख सकते हैं आप कि पूरा का पूरा कछार डूब चुका है और यहाँ पर लाल झंडा लगा दिया गया है। जो शॉप्स थी, दुकानें थी, देख सकते हैं सब कुछ यहाँ से हटा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए पानी कहाँ तक पहुँच चुका है, यानी आपको यहाँ पर जाने तक की जगह नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से हाई टाइड ने घेर लिया है। और देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से, आप देखिए सड़कों का हाल, चाहे आप गोरेगांव की बात करें, चाहे आप अंधेरी की बात करें, चाहे कुर्ला की बात करें, चाहे दादर में या साईं कोलीवाड़ा की, हर जगह सड़कों पर पानी ही पानी। जी हाँ, किंग सर्कल के कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से डूबे हैं, तो कुछ हिंदमाता चौक के, बता दें साकी नाका हो या फिर मरोन नाका हो, अंधेरी में भी कई जगहों पर इसी प्रकार सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें आपको मुंबई में पिछले कई घंटों से लगातार बरसात हो रही है, जिसके मद्देनज़र जी हाँ बता दें काफ़ी जो है अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मुंबई में, येलो अलर्ट। और अभी भी जी हाँ रात में ज़्यादा बरसात होने की संभावना जताई गई है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी पानी सड़कों पर आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से भरा हुआ है। बता दें सुबह से हो रही बरसात से मुंबई के कई हिस्सों में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी से गाड़ी चलाएं। जब सड़कें पूरी तरह से लबालब डूबी होती हैं तो बाइकर और रिक्शे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, छोटे टायर्स होते हैं, एक्सीडेंट होने की संख्या ज़्यादा हो जाती है। आप देख ही सकते हैं टायर पूरी तरह से डूबा हुआ है, इसलिए थोड़ा सावधान रहे। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके इलाके में भी कहीं पर भी अगर पानी जमा है या फिर कुछ भी ऐसी घटना है, कहीं पर सड़क में गड्ढे हैं, तो आप हमें बताइए ज़रूर, ताकि उस घटना के बारे में जानकारी हम सब तक पहुँचा सकें। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।